हाय गाइस, मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो वो काफी सोच समझ के चीजों को करती है, लेकिन अगर आप अचानक से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं या फिर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो आप कुछ ऐसी भारी गलतियां प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती हैं जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये जो गलतियां होती हैं ये कितनी ज्यादा आपको और आपके घर में पल रहे शिशु को दिक्कत और नुकसान दे सकती है। तो इन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो गलतियां हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कर ले जाने अनजाने में। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। पहली चीज दोस्तों, क्या होता है कि जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो महिला को लगता है कि अब मैं दो लोगों के बराबर का खाना खाऊं, क्योंकि उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा है, एक नन्ही जान पल रही है, तो उसे भी खाना चाहिए, उसे भी भूख लग रही है। तो ऐसे में महिला क्या करती है, ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देती है, बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देती है, जो कि गर्भवती महिला को कहीं ना कहीं और अधिक समस्याएं देना शुरू कर देता है और आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट कर सकता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको खाना तो खाना है लेकिन लिमिट में खाना है, क्योंकि आपको इस दौरान अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। लगभग 300 तक हेल्दी कैलोरी आपको इस दौरान अतिरिक्त लेनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा ठूस के और ओवरईटिंग करते हुए खाना खा रहे हो। ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा, इवन आपको इसके नुकसान आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज, आपको इस दौरान खुद का इलाज करने से बचना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जैसे ही महिला कंसीव करती है तो वो कई बार भूल जाती है कि हर छोटी से छोटी चीज, हर दवाई को यानी कि एक डिस्पिन लेने तक से भी आपको अपने डॉक्टर से पहले सलाह मशवरा करना है कि क्या वो ले सकती है या नहीं। महिला को शुरुआती दौर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, कभी हाथ पैरों में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी उल्टी आ रही है, चक्कर आ रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और भी बहुत सारी परेशानियां जिनके लिए नॉर्मल दवाई हम लोग ज्यादातर ले लेते हैं, तो वो इन दवाइयों को लेना शुरू कर सकती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवाई लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। तीसरी चीज दोस्तों, क्या कि आपको इस दौरान नींद भरपूर लेनी है, 8 से लेकर 9 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी चाहिए। जब आप अच्छी नींद लेते हैं पूरे 24 घंटे में तो ऐसे में आपकी बॉडी रिलैक्स भी रहती है और आप में एक एनर्जी भी बनी रहती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको नींद अच्छी लेनी चाहिए। कई कामकाजी महिलाएं बहुत कम सोती हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को नींद नहीं भी आती है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको प्रेगनेंसी के दौरान आराम अच्छे से करना है, नींद अच्छी लेनी है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस भी ना हो और आप हेल्दी भी बनी रहेंगी। चौथी चीज, इस दौरान आपको अपने बच्चे से कनेक्ट होते रहना है। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी का चाहे पहला तिमाही हो, दूसरा हो या फिर तीसरा हो, इस दौरान कई महिलाएं सोचती हैं कि जब शिशु बाहर आ जाएगा तो ही मैं अपने शिशु से कनेक्ट हो पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने कंसीव किया उस दिन से ही आपको अपने बच्चे से कनेक्शन बना लेना चाहिए और अपने बच्चे से बातें करनी चाहिए। आपको अपने पेट पर हाथ रखकर शिशु को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए, जिससे कि शिशु जब दुनिया में आए तो वो अपनी माँ से आसानी से और जल्दी से घुल मिल पाए, तो ये एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव भी होगा, तो ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। पांचवी चीज, अब आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे में आपको बहुत देर तक, लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं बैठना है, एक ही जगह पर खड़े नहीं रहना है, चलते फिरते रहना है, मूवमेंट में रहना है, अपने पैरों को लंबे करके नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, ऐंठन हो सकती है, दर्द हो सकता है, सूजन तक आ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी काम आपको ऐसा नहीं करना है जो बहुत लंबे समय तक आपका चलने वाला हो, जैसे कि घर की कई बार मासिक साफ सफाई होती है तो इसको आपको भी स्किप करना है, और अगर आप करना भी चाह रहे हैं, करना जरूरी भी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके आराम करना है बीच में और तब आपको काम करना चाहिए। और ध्यान रखिए कि भारी सामान आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है, कोई भी हैवी आइटम, चाहे बाल्टी हो, चाहे कोई बड़ा बॉक्स हो, चाहे बेड खिसकाना हो, सोफा खिसकाना हो, इस तरीके का कोई काम आपको नहीं करना है। कैफीन युक्त चीजों का सेवन नहीं करना है, शराब सिगरेट से आपको बिल्कुल दूरी बना लेनी है अगर आपको इस तरीके की कोई आदत रही हो, क्योंकि ये सब चीजें एक तो आपके गर्भ में भ्रूण के विकास को नहीं होने देती है, और दूसरा अगर आप प्रेगनेंसी हेल्दी कर भी रही हो तो इन चीजों का इंटेक करने से आपकी प्रेगनेंसी में इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो अच्छी चीजें आप सेवन में ले भी रही हैं तो ये सब चीजें लेने से आपके द्वारा लिए गए हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। छठी चीज, ध्यान रखिए कि इस दौरान आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 3 लीटर या फिर 8 से लेकर 10 ग्लास पानी तो आपको रोजाना पीना चाहिए। इससे एक तो आपको कब्ज नहीं होगा, दूसरा आपकी बॉडी डिटॉक्स अच्छे से होगी, आपको जो प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में प्रॉब्लम्स हो रही होती है उनसे निजात मिलता है। इसके अलावा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, जिससे कि आपके गर्भ में जो भ्रूण होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, उसके
चारों ओर नमी बनी रहती है। तो आपको पानी का सेवन अच्छा करना है, बैलेंस डाइट आपको इस दौरान लेनी है ताकि आपको सारे के सारे पोषक तत्व मिले, न्यूट्रिशंस मिले, जिससे कि आपके घर में पल रहे शिशु को भी सारे के सारे यही पोषक तत्व मिले जो आप ग्रहण कर रही हैं। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार महिलाओं को तनाव ऑटोमेटिकली घेर लेता है। इस दौरान हो सकता है कि ना चाहते हुए भी आपको तनाव हो जाए। इस कंडीशन से अगर आप निकलना चाहती हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करनी है, योग करना है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम आप कर सकती हैं, लाइट सी एक्सरसाइज अगर आप करेंगी तो आप हेल्दी भी रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, एनर्जेटिक रहेंगी और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी। आठवीं चीज दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, नेगेटिव सोच को ना आने दें, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आपके पास आती है तो ऐसे में गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका डायरेक्ट सेम वही असर होता है जैसा कि आप सोच रख रही हैं। और नवी चीज दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप डॉक्टर विजिट पे जा रहे हो, डॉक्टर द्वारा जो भी टेस्ट वगैरह हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो, उन सब की एक अच्छे से फाइल बना ले और प्रॉपरली डेट वाइज इनको रखते रहें। ऐसा ना हो कोई चीज आपको मिल नहीं रही है, क्योंकि अंतिम टाइम पे आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो ये सारी चीजें डॉक्टर आपसे मांगते हैं। इसके अलावा डॉक्टर का फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना जरूरी है। कोई भी छोटी मोटी समस्या आपको होती है तो डॉक्टर को तुरंत व्हाट्सएप करके पूछिए, बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करिए। देखिए डॉक्टर है, वो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 9 महीने का टाइम कोई छोटा टाइम नहीं होता है, तो आप डॉक्टर से इस दौरान काफी ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं, तो कोई भी चीज पूछने से इस दौरान बिल्कुल भी ना हिचके। तो ये सारे काम आपको ध्यान में रखने हैं और कुछ चीजों, कुछ आदतों को आपको बदल लेना है। तो होप सो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।